दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज इन सिंह के इस स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियत आई है जो शहर की जानी मानी शख्सियत है, जिनके कामकाज काफी अच्छे हैं, समाज के लिए उन्होंने काफी अच्छा कामकाज किया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बाई और बैठे है प्रहलाद अग्रवाल जी, जो की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आप अध्यक्ष है। ठीक उसी प्रकार से भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के जो संचालक संस्थापक है नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप भी मेरे और यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये दोनों शख्सियतों का मैं इन विशन के चैनल के इस खास मुलाकात प्रोग्राम के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। और दर्शकों, अब हम लेके चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसका बेसब्री से हमें और आपको भी इंतजार है कि आखिरकार राजमार्ग जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपने आप में कितनी मजबूत है। आइए इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अग्रवाल साहब। पहला सवाल आपके लिए ये, आप बताइए कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो स्थापना हुई है वो स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ज्वाइंट एक्शन कमेटी की स्थापना का विषय ये था कि इतनी ज़्यादा शिकायतें आने लगी थी ट्रक ड्राइवर भाइयों की, ट्रांसपोर्ट वालों की, सबकी, तो इसको जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में क्या है, कि ड्राइवर का बनाया हुआ है प्रोपेगेंडा है या एक्चुअल में ही तकलीफ है, इसको जानने के लिए एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई और उसकी दो रथ यात्राएं, दो गाड़ियों की यात्राएं निकाली गई जानने के लिए। पहली निकली 26 अगस्त से 31 अगस्त तक पूना टू जयपुर। उसमें जो हमने तकलीफें जानी और उसमें हम पहली यात्रा थी तो हमने सीखे। उसके बाद दूसरी यात्रा हमने निकाली जनवरी 9 से 16 तक, ये निकली नागपुर से हनुमाना, हनुमाना से भोपाल, और उस वक्त हमने वहाँ जाके धरना भी दिया। और जब ये पता लगा कि भाई जो ये संस्था हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो जब से स्टार्ट होती है तब से सरकार को पैसा जाता है, पर उसकी ऑफिसरों ने दशा इतनी ख़राब बना रखी है क्योंकि सरकार ने उनको गलत पावर्स दिए हुए हैं, उनके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, उनके अगेंस्ट FIR नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि भाई सरकार की नॉलेज में ये चीज़ें लानी चाहिए। इसलिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जितने भी लॉजिस्टिक की सेवाएँ की संस्था थी उनको जोड़ना शुरू किया, जैसे भाईचारा को जोड़ा, एको गोवा को जोड़ा, एक्टोवा को जोड़ा। उनसे पूछा कि भाई क्या तकलीफ है आप लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग भी एक्टिव हैं इस मामले में, पर अभी तक इसके लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये मेरा मानना है। और पुरुषार्थ में लगे, उसका रिजल्ट कब अच्छा आएगा समय बताएगा। तो आप थे प्रहलाद अग्रवाल, जिन्होंने बखूबी के साथ बात करते हुए इस प्रकार जो उद्देश्य किया इसका काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं पढ़ता हूँ हमारे दूसरे जो मेहमान है नरेंद्र कुमार जी मिश्रा साहब, इनसे राजमार्ग परिवहन सेवा के आप बतौर संस्थापक हो, एक संस्थापक होने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, क्या कहना चाहोगे? हमने जब इसके पहले भी और ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़ा था इसके पहले, अभी मैं फिलहाल में और था ट्रांसपोर्ट फंड एसोसिएशन के मैं सचिव भी रह चुका हूँ। ऑल इंडिया के साथ हमने जो तो अच्छे अच्छे पद में बैठ चुका, लेकिन मैं जब लोगों के साथ में जाकर देखा कि ट्रांसपोर्ट के लिए अपना एसोसिएशन बनाता है, लेकिन वो एसोसिएशन बनाने का मतलब क्या है? आज हमारी सबसे ज़्यादा समस्या है रोड पे, हाईवे पे, ट्रक ड्राइवरों पे। आज एक ट्रक ड्राइवर को किस तरह से लूटा घसोटा जा रहा है, एक ट्रक मोटर मालिक को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये हमने समस्या को पूरे बाई रोड 3 साल हमने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद हमने जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना दिया, नासिक में हमने अपनी मीटिंग रखे, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, ऐसे हमने 8 स्टेटों में पूरा भ्रमण करके और आगे निकला। निकलने के बाद हमने बाद में अपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रहलाद अग्रवाल जी से हमारी इस विषय पर चर्चा हुई, मुलाकात हुई कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ ही लड़ाई लड़ी जाए। आज एक मोटर मालिक किस तरह से गाड़ी खरीदता है, उसकी कितनी बड़ी समस्या होगी कि उसको खेत घर द्वार सब गिरवी रखा है, आज उसके बच्चे उसके स्कूल पढ़ नहीं पा रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं। आज परिवहन विभाग में अधिकारियों को लाख लाख दो दो लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है, उनको शासन सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन हम जब हाईवे पे निकलते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ा बुरा होता है, अत्याचार किया जाता है। आज वो ट्रक मालक मरने की स्थिति में है, जहर खाने की स्थिति में है, चल नहीं पा रहा है। हमने लोगों से जाकर निवेदन दिया
कि सर क्यों ऐसा काम कर रहे हो, तो उन्होंने बोले ऊपर से आदेश है। हमने ऊपर वाले के पास में गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास गया, मुख्यमंत्री जी के पास गया। इस हालत में आप बता रहे हो मध्य प्रदेश के बारे में, ये पूरी मध्य प्रदेश में स्थिति होती है जी जी। जब मैं बॉर्डरों में गया तो वहाँ ड्राइवरों से चक्कर के हिसाब से पैसा लेते हैं, 1,000 रुपये प्रति चक्कर, 2,000 प्रति चक्कर, 3,000 रुपये तक की बोली लगाई जाती है। उन्होंने बोलते भैया बॉर्डर हम तो 20 करोड़ में लेके आए हैं तो वसूली तो करेंगे। ऊपर में गया, कहीं सुनवाई नहीं, हमने कलेक्टर एसपी को दिया, वहाँ पे पता चलता है कि ये यहाँ की कमाई कलेक्टर को जाती, एसपी को जाती, पत्रकार को, सबको उन्होंने बताया सबका नाम। तो बोले सर क्यों करते हो? हमने फिर सर्च किया कि आज हाईवे के अंदर में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं हाईवे पे। हमने देखा कि जैसे हम नागपुर से गाड़ी को दिल्ली के लिए माल भरते हैं और 30 घंटे का समय दिया जाता है, 40 घंटे का समय दिया जाता है, जब देखता हूँ कि नागपुर से गाड़ी निकलती है यहाँ से करीब कुछ आगे दूर मंसर बॉर्डर है, महाराष्ट्र का बॉर्डर, फिर आगे जाते हैं तो एमपी का बॉर्डर है। ये महाराष्ट्र और एमपी के बीच के जो बॉर्डर हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर डिफरेंस में यहाँ पे ड्राइवर का कम से कम 10 घंटे का समय खा जाते हैं। हाईवे पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो या आरटीओ हो, सही तरीके से गाड़ी लोड है फिर भी उसको पैसे, और जब वो ड्राइवर मानसिक तनाव में आ जाता है, जब मानसिक तनाव में आता है तो वो कोई नशे की हालत में हो सकता है अपना समय बचाने के लिए। जब आगे गाड़ी बढ़ाता हाई स्पीड करता है, हाई स्पीड गाड़ी जब हो जाती है तो 100% संभावना बढ़ जाती है रोड हादसे की। जब रोड हादसे हो जाता है, किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है, तो लोग जाते हैं संतावना देते हैं, 2 मिनट का मौन रहते हैं, क्या मौन से उसका परिवार सुधर जाएगा? सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है कि आज अगर वो अधिकारी 10 घंटे का समय और ड्राइवर का खाया नहीं होता, उससे रिश्वत नहीं लिया होता, उसको प्रताड़ित नहीं किया होता, शायद वो ये हादसा नहीं होता। ऐसे ऐसे कितनी घटनाएं आपके सामने में हुई कि जहां पे अधिकारी लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं ड्राइवरों को, ऐसे कितने किस्से आपके पास आए हुए, और आपने आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से क्या पहल की है, सरकार को क्या ध्यान आकर्षित किया आपने? जी, हमारे पास बहुत इसकी रिपोर्ट आई। रीवा बाईपास में एक आरटीओ ने ट्रक को खदेड़ रहा था, ट्रक वाला भागने के चक्कर में गाड़ी सहित लेके माल नीचे गिर गया, केवल लोड था, उसमें ड्राइवर स्पॉट पे खत्म हो गया। एक ऐसी घटना आई है कि आरटीओ 4-4 घंटा 5-5 घंटा खड़े रहते हैं, और जब गाड़ी लेकर ड्राइवर जाता है तो 5-5 घंटा ड्राइवर पीछे खड़ा रहता है कि तभी आरटीओ निकलेगा तो मैं जाऊँगा। वहाँ भी सड़क हादसे हुए, एक परिवार हंसता खेलता परिवार 4-चक्का गाड़ी में जा रहा था, वो शिकार हो गया, ये भी हादसे मेरे पास है। हमने इसको लेकर नितिन गडकरी जी के पास में गया, नितिन गडकरी साहब में 3 साल से कंटिन्यू मिल रहा हूँ, जिसकी हमने अभी हाल में कॉपी दिया हूँ गडकरी साहब को। केवल हम केवल आपके भ्रष्टाचार के विषय में बात करेंगे, हम परिवहन विभाग में बात करेंगे, हमें समय दिया जाए, उनका कीमती समय लेने के लिए हमने लेटर दिया हूँ 2 तारीख को। हमने दिल्ली में गया, 7 जनवरी को दिल्ली में गया, हमारे प्रहलाद अग्रवाल जी साथ में थे, वहाँ पे प्रियांश भारती जी से मिला, जो ट्रांसपोर्ट पूरे ऑल इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे मिला, उनको बताया। वहाँ पर भी यानी इस विभाग में इतना बड़ा रैकेट बना हुआ है जी, इसका संचालन कौन कर रहा है आज तक किसी को पता नहीं। अधिकारी नीचे वाले बोलते ऊपर से आदेश है, हमने ऊपर वालों के पास में गया, यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो ऑल इंडिया का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उनके पास में गया। गडकरी साहब को बताया सर इसमें आप कुछ न कुछ तो करिए, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कोई राज्य के मंत्री नहीं है, आप तो यूं मिनट खत्म कर सकते हैं, खाली हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आज आप बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में 43 बॉर्डर है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है जो इस आंकड़े को जोड़ सकता है, ये मेरा मानना है। एक आरटीओ चेक पोस्ट में कम से कम 20 लाख रुपए की डेली की कमाई अवैध रिश्वत, आप सोच सकते हैं कि एक गाड़ी से मिनिमम 1,000 रुपये पकड़ लीजिए, 3,500 से 4,000 गाड़ी एक चेक पोस्ट से निकलती है, अब अंदाज लगा लीजिए कितना पैसा एक बॉर्डर से। ऐसे 43 बॉर्डर हैं, बैरियर जो अलग से लगाए गए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, इतना पैसे कहाँ जा रहा है? राजस्व को नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सब लेके मुद्दे हम जब भारत सरकार के पास पहुंचे, उनको ये चीज बताया, एक एक कलेक्टर के निवेदन मेरे पास में है, एसपी पर निवेदन दिया, यानी सबको निवेदन दिया। अभी हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो साथ में भी पूरी संस्थाएं जुड़ रही हैं, हम लोग इसके लिए अभी गडकरी साहब को ये ऐसे हम 7 लेटर देंगे, जिस दिन गडकरी साहब हमसे नहीं मिलेंगे तो हम आगे भी जाके दिल्ली में भी धरना देने की तैयारी करेंगे। इस भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के तरफ से जितने भी प्रयास हमसे हो सकेंगे ट्रक चालक मालक के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आज एक ट्रक इंडस्ट्रीज से
1000 लोग का जीवन यापन चलता है। बिल्कुल सही बात, क्या कि 1000 लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से चलता है और भ्रष्टाचारी अधिकारी जो है वो किस प्रकार का कामकाज कर रहे हैं, इसके बारे में नरेंद्र जी मिश्रा इन्होंने जानकारी दी है। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा, प्रहलाद अग्रवाल साहब आप ये बताए कि जिस तरह से अब तक आपकी कमेटी जो काम कर रही है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, अब तक कितने ड्राइवर लोगों का जीवन संवर्धन हुआ है, कितने लोगों का होना बाकी है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरा इसमें एक और जानकारी आपको देनी है, सरकार को देनी है कि किसान भाई जो 11 महीने खाली बैठे रहते हैं, 1 महीने खेती करते हैं, अगर वो इस लाइन में मेरे साथ एक ग्रुप जुड़ा है पंजाब का जो 11 महीने ड्राइवरी करते हैं और 1 महीने किसान खेती करते हैं, तो उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ले रखी हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम जब गाड़ी चलाते हैं और अपनी गाड़ी से हम 50,000 से 60,000 रुपया महीना आराम से कमा लेते हैं, तो अगर इस लाइन में भी अगर सरकार पब्लिक का साथ दे और ड्राइवर, मेरी सोच यह है कि जो 12वीं का बच्चा जो 17 साल का या 18 साल का होता है वो स्कूल से ही लाइट कॉमर्शियल का ड्राइवर बन के निकले, जिससे कि अगर भविष्य में उसको हैवी ट्रक का ड्राइवर बन के अपने घर का जीवन यापन चलाना है या अपने अपने परिवार को आगे ले जाना है सुखी है, तो ये भी एक सरकार इसके बारे में भी सोचे और इसके बारे में भी सरकार पब्लिक को जागरूक करे कि वो जो लोग खाली बैठे रहते हैं जिनके पास महीने ही काम है, 2 महीने ही काम है, बाकी काम नहीं है, तो वो इस लाइन में आके उनका अपना काम होगा और वो आगे बढ़ेंगे। मिश्रा साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ये देखते हैं कि जब रोड जो हादसे होते हैं, सड़क हादसे जो होते हैं, अधिकतर जो ड्राइवर लोग होते हैं, जो बड़े वाहन जो चलाते हैं, उनको दोषी माना जाता है इस बार, और क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने ड्राइवर के बारे में काफी नजदीक से उनकी जो हालात है उनको जो आपने जाना पहचाना है काफी नजदीक से माना है, ऐसे में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक के तौर पर आप ड्राइवर के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, जब कोई सड़क बड़ा हादसा होता है तो सरकारी कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ने के लिए ड्राइवर को दोषी मानता है, वो सरकारी अधिकारी नहीं मानता कि मेरे चलते, हमारे जैसे कोई न कोई सरकारी अधिकारी के चलते सड़क हादसे हो रहे। अभी आपको ने बताया कि अगर ड्राइवर का 10 घंटे का समय कोई सरकारी ऑफिसर खा रहा है रिश्वत के चक्कर में, तो 10 घंटे का समय बचाने के लिए क्या क्या ड्राइवर कर सकता है? अब उस समय अगर कोई हादसा होता है तो ड्राइवर की गलती है कि वो अधिकारी की गलती है, कोई पब्लिक गलती है, ये आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। इस विषय हमने शासन प्रशासन से भी जवाबदारी किया, मांग किया, और हम अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों को ये बता के चलते हैं कि आप ट्रैफिक के नियम के रूल का पालन करें। आज हमारा ट्रक निकलता है, सोचिए कि 20 लाख का हमारा ट्रक की कीमत होती है, करोड़ों रुपए में ट्रक का माल होता है, तो आज हमारा ड्राइवर पहले तो अपने गाड़ी की हिफाजत करता है, इसके बाद अपने पेपर की हिफाजत करता है, रोड की सेफ्टी की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत करता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक माल पहुंचाता है, हर चीज खाने के लिए, चाहे फ्रूट हो या कोई भी माल हो। आज हमारे स्तन में कपड़ा है ना, आपका कपड़ा है, वो हमारा ट्रक ड्राइवर ला कर ही दिया होगा। तो आज वो ट्रक इंडस्ट्री रात दिन देश की सेवा करने वाली इंडस्ट्रीज को एक प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है बदनाम करके रखे हैं। हमें शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को साहब गडकरी साहब देखें तो उसमें सोच करें कि आपने 10 गुना फाइन बढ़ाया है। नए मोटर एक्ट 2019 के रूल में मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आप उसी तरह से अगर अधिकारियों पे गाज गिरा दें, अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत में पकड़ा जाता है तो 10 गुना फाइन के साथ उसको भी सजा जुर्माना लगना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गाड़ी नागपुर से और दिल्ली जा रही है, तो मैं मांग किया हूं सरकार से, जो भी गाड़ी मेरी नागपुर से निकलती है तो प्रशासनिक अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, हमारी गाड़ी को अच्छी पद्धति से चेक कर ली जाए, जो कमी हो उसको चालान बना दिया जाए, मेरी गाड़ी आगे जाने दिया जाए। अगर कोई आगे अधिकारी वो गाड़ी को छेड़ता है, रिश्वत मांगता है, तो पीछे वाले अधिकारी पे गाज गिरनी चाहिए, या वो सही है या वो सही है। तो रिश्वत के कारण, ये भ्रष्टाचार के कारण आज सड़क हादसे के मुख्य कारण है। ये हम खुले आम जहां सरकार हमको बुलाना चाहेगी, कोई स्टूडियो बुलाना चाहेगा, हर आदमी का सामना करने को तैयार हूं। मैं सभी साथियों को बोलता हूं, सच का सामना करना सीखो। जिस दिन सरकार सच का सामना करना सीख जाएगी, ये अधिकारी जो आज गुंडागर्दी के तौर पर उतर गए हैं, निजी अपने गुंडे पालते हैं, बाउंसर पालते हैं, क्योंकि इनको 20 लाख रुपए किसको बोलते हैं? बॉर्डर से। मैं एक बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, जाके देखे 100-100 गुंडे पाले गए हैं बॉर्डरों में, ड्राइवरों को मार पीट जाता है। आज ड्राइवर की सुरक्षा, रोड की सेफ्टी सरकार के हाथ में है। आज हमारे उनके जो रक्षक है वो भक्षक बन के बैठे हैं, कौन संभालेगा देश को? आज हमने पीड़ा को देखा,
तो हमने लोगों से मुहिम जंग छेड़ी कि मुहिम में साथ दीजिए आप लोग और हम सब मिलकर जंग को लड़ेंगे। बिल्कुल, हम सब मिलकर जंग को लड़ना चाहेंगे और भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ से खत्म करना चाहेंगे कि ना कि उसकी शाखा को। क्या खूब कहा है किसी ने कि आयो हम ज्ञान का दिया जलाए, भारत को स्वच्छ सुंदर वे स्वच्छ बनाए, कोई दुखी ना हो ऐसी ज्योत जलाए, कोई दुखी ना हो ऐसी ज्योत जलाए। लेकिन क्या सही जो जो ज्योत है वो परिवहन के जो अधिकारी जो है चाहे फिर राजनेता है, क्या इस ओर ध्यान दे रही है? अगर वो ज्योत जला रहे तो इस ज्योत का प्रकाश हर उस ड्राइवर के घर में पहुंच पा रहा है या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि ड्राइवर एक रीढ़ का हड्डी आज के तारीख में नहीं, सदियों से ड्राइवर का अपना बहुत बड़ा काम होता है। यदि ड्राइवर अपना अगर वाहन नहीं चलाता है, एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो माल नहीं लेके जाएगा तो कामकाज कैसे होगा, कारोबार कैसा होगा, सरकार का जो महसूल है हजारों लाखों करोड़ों से डूब सकता है। ऐसे में ड्राइवर का जीवन संवर्धन होना बहुत ही जरूरी है। मगर अक्सर यह देखा गया है कि जो चुंगी नाके होते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो चुंगी नाके होते हैं, वहाँ के जो आला अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने बाउंसर्स लोगों को पाल के रखा है और ड्राइवर को प्रताड़ित करते हैं और उनसे पैसा जबरन उगाही करते हैं। ये जो उगाही हो रही है इसकी रोकथाम हो और ड्राइवर को जो बिला वजह जो परेशान किया जा रहा है वो कम हो, ऐसी मांग नरेंद्र मिश्रा और प्रहलाद जी अग्रवाल जो आज स्टूडियो में इन्होंने की है। अग्रवाल साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि ऐसे में ड्राइवर ने अपनी रक्षा कैसी करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने जो अपने ट्रांसपोर्ट का जो मालिक होता है उसका माल लेके जाता, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का उनका अपना काम रहता, लेकिन वो अपनी सुरक्षा हिफाजत किस ओर से करे, क्या लगता है आपको? इसमें भी अभी संस्थाएं काम कर रही हैं और कई बड़ी संस्थाएं जैसे इंडियन ऑयल आगे आया है, सरकार ने भी अभी एक स्कीम निकाली है, वो भी ड्राइवर के लिए कुछ बेनिफिट देना चाहती है, पर वो उन तक पहुंचाने के लिए भी हमारी संस्था काम कर रही है। जैसे अभी जो ड्राइवर ट्रेनिंग ले रहा है, कुछ नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है, वो ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको सरकार की तरफ से 3 साल का 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, पर वो चीज़ें कहाँ तक पहुंचती हैं उसको अमल में लाने के लिए भी सरकार को अच्छी संस्थाओं को बताना पड़ेगा, उनके थ्रू प्रयत्न करना पड़ेगा और उसमें जो बंदिशें हैं उनकी वो छूट दे के लचीलापन करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, वो भी सरकार को सोचना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से अर्ज है। बिल्कुल, सरकार से इन्होंने जिस प्रकार की जो अर्ज की है वो अपने आप में है। नरेंद्र जी ये बताए कि यदि कोई ड्राइवर की मौत हो जाती है उसका जो परिवार है वो उसके कामकाज नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसे में वो अपने जीवन संवर्धन कैसे करें, क्योंकि ड्राइवर को भी बच्चे होते हैं, बीबियां बीबी होती है, माँ बाप होते, माता पिता होते, ऐसे में अपने परिवार उसके जाने के बाद उनके परिवार की रक्षा करने का काम किसका, सरकार का क्या आपके जैसे संस्थान के अधिकारियों का मालिकों को का? देखिए आपने सवाल अच्छा किया, आज जो सड़क हादसे के अंदर में ड्राइवर हमारे भाई मर जाते हैं या सामने का कोई भी सामने का भी मर जाता है, तो मैं सबसे पहले समझता हूँ उसमें सरकार को सबसे पहले विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार उसके लिए ड्राइवरों के लिए एक अपनी पॉलिसी जारी किया भी है और सरकार वहाँ तक जा रही है, लेकिन सरकार पहुँचती है वो सुविधा ड्राइवर तक पहुँचाती है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी वो शासन सुविधा को वहाँ तक जाने से रोक देते हैं, वो उसी संस्था वो रोकते हैं, तो हमारी जैसी संस्थाएं आज लड़ रही है और उनकी जो गुनाह कर रहे हैं वो जो गलत काम कर रहे हैं, एक गरीब के पीछे में एक असहाय परिवार को उजाड़ रहे हैं, खास्ता खेलता उनकी रोजी रोटी, सरकार क्या बोलती है? आप देखिए देश में चुनाव होता है, प्रदेश में चुनाव होता है, 2 वादे किए जाते हैं, मेरी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इनकी सरकार आते ही चाहे किसी पार्टी सरकार हो, हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं और न लेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, आते ही तुरंत भ्रष्टाचार का पहला कदम रखते हैं, हमारा तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं। अभी हमने बताया 1 ट्रक से 1,000 लोगों का जीवन यापन चलता है, ड्राइवर तो ड्राइवर है चाहे जिसका भी ड्राइवर हो, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो हम ड्राइवर बदौलत आज आपके स्टूडियो में आए हैं, चाहे ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे फ्लाइट का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, चाहे फोर व्हीलर का ड्राइवर हो, ऐसे ड्राइवर जो रात दिन दुनिया की सेवा कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटा
उनको ये ऐसी सरकार प्रताड़ित करती है, सरकार के आदमी प्रताड़ित करते हैं। जैसा कि अधिकारी बताते हैं, चोर के ऊपर हमको पैसा देना पड़ता है, तो ऊपर किसको पैसा तुम दे तो बताओ, तो बताते नहीं। ताज वो ड्राइवर का हंसता खेलता है परिवार कौन उजाड़ा, वो अधिकारी उजाड़ा। मिश्रा साहब, जिस प्रकार से आप एलिगेशन उनके ऊपर में लगा रहे, जो आरोप आप लगा रहे हो, आपके पास क्या तथ्य है, क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि जिसके जिस आधार पे आप इतने खुले तौर पे उन पे आरोप लगा रहे हो, क्या है? सर, मैं तो बोलता हूँ, अगर जो भी प्रशासन पे ऐसी उम्मीद रखता है, सबूत क्या चीज? आप वहां बॉर्डर में जाएंगे तो आपको वहां काली फिल्म लगी मिलेगी, गुंडे बैठे मिलेंगे, वहां आपको जाने नहीं देंगे, आपको कैमरे को तोड़ देंगे। क्या सबूत वहां हासिल कर सकते हैं? मैं तो वादा करता हूं कि आप जैसे चैनल वाले 10 भाई मिलकर मेरे साथ चले किसी भी बॉर्डर में, मैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की किसी बॉर्डर की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया बॉर्डर की बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए, खुद आपको सबूत मिल जाएगा। जो भी मजिस्ट्रेट चलना चाहते हैं, सरकारी वकील चलना चाहते हैं, सरकार चलना चाहती है, तो उनके सामने बैठूंगा कि देख लीजिए, आज आप सभी ड्राइवर से इंटरव्यू ले लीजिए कि गाड़ी आज किससे निकल रही है, इसी साथ गाड़ी रोज निकलना चाहिए। वहां सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे सर, चेक पोस्ट और नहीं है, लूट पोस्ट अगर वहां लिख दिया जाए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, आइए वेलकम टू मध्य प्रदेश, ये लूट पोस्ट है। जिस दिन लूट पोस्ट लिख देंगे हमारी संस्था वहां नहीं जाएगी, लेकिन चेक पोस्ट लिखा हुआ है। आज आपको पता होना चाहिए कि आज कोई गाड़ी को चेक नहीं किया जाता, 500, 1000, 10000 रुपए, 2000 रुपए ड्राइवरों से ले लेते हैं, आप बारूद लाद लो, हथियार लोड कर लो, यानी जो भी चीज है जखीरा आज हर प्रदेश में लोग गिरा चुकी हुए केवल एक भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से। गाड़ी चेक नहीं की जाती कि गाड़ी मंदिर माल क्या है, अच्छा कुछ भी चेक नहीं करते, केवल पैसे दे दो चले जाओ, अब गाड़ी के अंदर क्या माल है, बम है, बारूद है, सुरंग है, क्या है, किसी को पता नहीं। बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती है तो ये काफी, हाँ मेरे साथ चलिए देख सकते हैं। जी जी जी, ये राष्ट्र के लिए काफी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इस प्रकार का अगर माल बाहर जाता है, जैसे विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं, जैसे जिस बात का इन्होंने जिक्र किया, अगर वो बिना जो नाका का जो अफसर रहता है, अगर वो उसकी जांच नहीं करे, महज कुछ पैसों के लिए यूं ही उसको छोड़ता है, तो ये बहुत गलत बात है। अब जिस प्रकार से आप दोनों ने, अग्रवाल साहब, मिश्रा जी, जो आरोप जो आपने जरूर लगाए, इनके जो मुख्य जो है नितिन गडकरी जी, अब उनको क्या नया कुछ ज्ञापन अपन देने वाले हो, उनसे कुछ मुलाकात करने वाले हो, उनकी नजरों में ये बात मजबूती के साथ कैसे लाओगे? सर, उसी के लिए हम तो नितिन गडकरी को लिखा हुआ विषय परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में मीटिंग करने हैं, तो आपका अमूल्य समय आपके अनुसार। क्या उन्होंने अमूल्य समय दिया आपको? नहीं दिया सर, 2-3-2020 को हमने लेटर दिया हूँ, ऐसे उनको हम 7 लेटर देंगे। अब देखता हूँ कि गडकरी साहब हमें कब समय देते हैं, क्योंकि गडकरी साहब के परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ चीज है ये, परिवहन माफिया को चला कौन रहा है ये सरकार को बताना पड़ेगा। हम लोग उस कदम पे उतर चुके हैं, या सरकार बताएगी कि परिवहन माफिया को चला, इसका नाम ने रखा परिवहन माफिया, दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन माफिया है तो परिवहन विभाग, उसको कौन चला रहा है आपकी नजरों में? हमारे नजरों में तो उसको भैया उनके प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ स्वच्छ सरकार मेरी है, लेकिन जब मैं सरकार के मंत्री के पास जाता हूँ तो हमको मिलने का समय तब उन्होंने नहीं दे रहे हैं, तो हमने ये लेटर का माध्यम बनाया कि हम 7 लेटर लाएंगे, सभी मीडिया वालों को दिखाएंगे। सर, आप जाके पूछिए, आप गडकरी जी के पास जाइए कि जब लेटर दिया गया है तो आप लेटर को मोड़ के कचड़े में डाल देते हो, इतना बड़ा दुनिया आज हमारा भारत देश बारूद के ढेर पे जा बैठा है, ये भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से। आज सुनते हो ना, फला जगह बारूद मिला, सुरंग मिला, हथियार मिला, कहां जा रहा है, ये अधिकारी पहुंचवा रहे हैं भ्रष्टाचार में अधिकारी। मैं खुले यहां आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि मैं दुखी हो चुका हूं, 3 साल से हर जगह घूम घूम के परेशान हो चुका हूं कि सरकार इसमें अमल करे, ये सरकार कर सकती है। यदि यदि जिस प्रकार से आपने नितिन गडकरी का जो जिक्र किया कि नितिन गडकरी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे में अगर नितिन गडकरी इस विषय के ओर ध्यान नहीं दे रहे, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो जो उनके इसमें आता है वो पूरा परिवहन का जी, तो फिर ऊपर के जो बड़े जो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर होता है, तो क्या उनके पास आप इस प्रकार का ज्ञापन देने वाले हो क्या? जी जी जी, अगर गडकरी साहब मेरे को ऐसे हम 7 लेटर उनको पेश करेंगे, अगर 7 लेटर हमको समय नहीं देंगे, हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे, करोड़ों लोगों का जीवन यापन बचा लिया जाए, 7 मजदूरों गरीबों को बचा लिया जाए। अगर गडकरी साहब इस विषय को नहीं देखे तो हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दरवाजे में जाकर अनशन करूंगा, बैठूंगा भूखे प्यासे, या हमको उठा को जेल में डाल देंगे, या फांसी दे देंगे, या गोली मरवा देंगे, तो ही मैं रास्ते बदल सकता हूं, अन्यथा हमारा रास्ता भगवान ही नहीं बदल सकता।
इस विषय पे, क्योंकि राष्ट्र की सेवा के लिए मैं उतरा हूं। राष्ट्र सेवा आप वर्दी पहन नहीं कर सकते, राष्ट्र की सेवा सच्चे भावना से भी कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है राष्ट्र हित सर्वोपरि, हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सभी धर्म जाति के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि ड्राइवर एक कौन जाति का, ये नहीं पूछता मैं। ये पूछता हूँ ड्राइवर तो ड्राइवर है, ड्राइवर है तो दुनिया है, ड्राइवर है तो कल है, ये मेरी सोच है। हम ड्राइवर के बिना अधूरे हैं, हमारा देश अधूरा है। ये मोदी जी स्वयं बोल चुके हैं ट्रक इंडस्ट्री देश की रीढ़ की हड्डी है। आज मैं सर आपको बता रहा हूँ, अगर एक मिनट के लिए पूरे देश के ट्रक के पहिए रुक जाए तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल जिसको बोलते हैं भूचाल। एक मिनट के लिए ट्रक का, आज सोचिए किसानों पे आपत आती है, गांव के लोग तकलीफ होते हैं, पानी की बिजली की समस्या, वो क्या करते हैं सड़क पे आ जाते हैं और चक्का रोकते हैं, ट्रक को फूंकते हैं, चलाते हैं, अपनी मांग पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज मेरे पास वही ट्रक है जो मैं चला रहा हूं, लेकिन हम अपने ट्रक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा लोग कर रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? हम सहानुभूति से चलते हैं, हम हर हड़ताल के खिलाफ रहते हैं। हमारी संस्था कभी भी हड़ताल नहीं करेगी, हमारी मांग सरकार सुने या ना सुने, हम अपनी चक्का को नहीं रोकेंगे। हम गरीबों को, अमीरों को, सब कुछ सेवा दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक जिले से दूसरे जिले तक हम सेवा प्रदान करेंगे। और इसकी लड़ाई सरकार तक हम लड़ेंगे, और जितनी हमसे लड़ाई लड़ना होगा उतनी लड़ाई लड़ेंगे, या सरकार कोई चीज मानना पड़ेगा। सच का सामना उसको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और आप जैसे चैनल भाइयों से मैं उम्मीद करता हूँ अपने माध्यम से मेरा संदेश गठके तक पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो मैसेज है वो तो इन विषय के तमाम दर्शक गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, और कई ऐसे हमारे दर्शक भाई है कि जो उनका जो पेशा है वो ड्राइवरी का पेशा है, और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे ये दर्शक हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। नरेंद्र मिश्रा, इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि यदि नितिन गडकरी के कानों में जू तक नहीं रहेंगे, बार बार उनको ज्ञापन देने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद ये जंतर मंतर यानी दिल्ली पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और इस माध्यम से वो ड्राइवर के जीवन संवर्धन के लिए, उनके निजात पाने के लिए ये कामकाज करने वाले हैं। तो दर्शकों, हर कोई लड़ना चाहता है, दूसरों के लिए लड़ने वाले तो बहुत कुछ लोग होते हैं, अपने लिए भी लड़ने वाले बहुत कुछ लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका कोई सानी नहीं, जिनका कोई माता नहीं, जिनका कोई पिता नहीं। और ड्राइवर एक ऐसी देश की रीढ़ की हड्डी है कि आज उन्हें सिर्फ अनदेखी की जा रही है, उनका कामकाज उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे फिर प्रशासकीय तौर पे हो, राजनेता के माध्यम से हो, या फिर कोई संस्था के भी माध्यम से हो। सभी संस्थान के अधिकारी, पदाधिकारी, संचालक ऐसे सेवाभावी होते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसमें खलल डालना अच्छे से जानते हैं। उन लोगों से सावधान, ड्राइवर का जीवन संवर्धन होते रहे, और ये जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री को अपनी बातों से अवगत कराने के लिए बहुत जल्दी ये दिखने वाले हैं, ऐसा इनका मानना है। दर्शकों, ड्राइवर और प्रशासक के बीच की ये लड़ाई ऐसे ही शुरू रही है, लेकिन इससे पहले लेते हैं खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक अंतराल का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप। मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताज़ा खबरों के लिए इंस्टॉल करें एनबीसी न्यूज ऐप। Install the app now in BSN News. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका खास मुलाकात इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किए उनको मैं बता दूं कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं प्रहलाद जी अग्रवाल साहब, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के संस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ में मौजूद है भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संचालक संस्थापक नरेंद्र जी मिश्रा साहब। आप दोनों भी फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ और लेके चलता हूँ उस विषय की ओर जो ब्रेक के पहले मैं पूछना चाहता था। अग्रवाल साहब, ये बात बताइए कि जिस प्रकार से ड्राइवर का ये जो मैटर जो उठाया जा रहा है उनको लेके, आखिर इसका निदान कैसे पूरा होगा, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जैसे बीच में शायद सरकार ने ही सोचा था, इसमें तीन आदमी काम करते हैं, माल ले जाने वाला, माल भेजने वाला, माल पाने वाला, जबकि सज़ा सिर्फ माल ले जाने वाले को होती है। माल भेजने वाले अगर गलत माल लोड नहीं करता है और वो पहले ही चेक कर लेता है गाड़ी के पेपर और ये सब,
और सही गाड़ी में माल लोड करता है तो 90% मेरे हिसाब से सोल्यूशन वहीं हो जाएगा। और अगर तीनों को पनिशमेंट बराबर होगी तो उसमें किसी पे मतलब एक पे एक्शन ना आके तीनों पे आएगा और तीनों गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने नाम को बचाने के लिए, अभी तो बड़े व्यापारी लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए भाई उसको हत्था बना देते हैं, और वो गरीब क्योंकि सिंगल मोटर मालिक, अगर वो गाड़ी उसकी हफ्ते से है और अगर वो माल नहीं भरेगा तो कैसे उनको पैसा देगा, तो वो जो गलत सह रहा है, अगर उसके भागीदार दूसरे होंगे तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो सरकार को ये तो लागू कर ही देना चाहिए कि जो गलत माल लोड करता है सबसे पहला गुनहगार वो, दूसरा जो माल ले जाता है वो गुनहगार, और तीसरा जो माल जिसके पास पहुंचता है वो गलत रिसीव करता है तो तीसरा गुनहगार वो। तो इन तीनों पे एक्शन होना चाहिए, न कि माल ले जाने वाले पे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, आपका मानना बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है। वो इसलिए है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि व्यापारी जो होते हैं अधिक माल जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो लेके जाने वाली क्षमता जो होती है, उसके बावजूद उससे कई गुना अधिक माल भरा जाता है, जिसके चलते कई बड़े हादसे भी होते रहते हैं। और ये तो बिल्कुल लाजमी सवाल है कि अगर माल अगर ज़्यादा होगा तो जो प्रशासन के जो अधिकारी है, चुंगी नाके में जो अधिकारी है, वो तो चेकिंग करेगा ही। अगर माल ओवरलोड होता है तो उसका खामियाजा भी उन ट्रांसपोर्ट के मालिकों को भुगतना पड़ता है। मगर अफसोस के आए दिन ट्रक के जो मालिक है ये भी बहुत ज़्यादा माल लोड कर देते हैं, और ड्राइवर को क्या, ड्राइवर को तो बस गाड़ी चलाना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उसके जो कामकाज है, उसकी जो तकलीफें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर को देखना पड़ता है। ड्राइवर की भावनाओं को समझे, अपन अपना उतना ही माल लेके जाए जितना माल ढुलाई में होता है, या फिर धर्म कांटे पे जो एक उसका जो वजन जो किया जाता है उतना ही माल लेके जाए, उससे अतिरिक्त माल न लेके जाए। ये काफ़ी अच्छी बात आज आप प्रहलाद अग्रवाल जी, जिनके ऐसे हजारों ट्रक आज इस भारत देश में चल रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी इस बात के अनुभव है, उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से ये बात उन ट्रांसपोर्ट के मालिकों के कही है जो लोग इस प्रकार का कामकाज नहीं करते। अगर प्रहलाद अग्रवाल साहब की ये बात अगर उनको अच्छी लगी तो उन्होंने जरूर करना चाहिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो वो नियम के हिसाब से उन्होंने करना चाहिए, एक लिमिटेड माल भरना चाहिए, ना कि अतिरिक्त माल भरने से इस प्रकार की घटनाएँ होना लाजमी है, संभव होता है। मैं मिश्रा साहब के पास चलता हूँ। मिश्रा जी, ये बताइए कि जिस प्रकार जी प्रहलाद जी अग्रवाल साहब ने जो एक नई बात जो कही है, बहुत अच्छी बात कही है, क्या आप उनके बातों का स्वागत करते हो? जी सर, हम उनके बात का स्वागत करते हैं, और इसी विषय में हमने नागपुर के कलेक्टर साहब को एक लेटर भी दिया हूँ 4/2/2020 को, स्वच्छ नागपुर परिवहन विभाग भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग के संबंध में जी। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया हूँ कि सबसे पहले जैसे अग्रवाल जी अपने बताए भी कि माल ले जाने वाला कंसाइनर, माल भेजने वाला, पाने वाला और ट्रक मालक, ट्रक ड्राइवर, अगर तीनों में सुधार हो जाए, सबसे पहले जहां से माल लोड करते हो वहां पे पूरी गाड़ियों को पेपर चेकिंग कर ले जानी चाहिए हर तरह से, फिर माल जो ले पा रहा है पाल्टी वो भी देख लेना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से गाड़ी चेक कर लेना चाहिए ताकि मेरा माल आगे के लिए डिस्पैच हो जाए। तो अगर तीनों मिल जाए और उसमें सच का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, तो इसमें जो सड़क हादसे हैं या दुर्घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें बहुत कुछ लगाम हम लगा सकते हैं। ये अग्रवाल जी का कहना 100% है। इस विषय में कलेक्टर साहब को निवेदन दे चुका हूं और परिवहन आयुक्त को लेटर लिख चुका हूं कि जितने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनियां हैं ये अवैध गलत तरीके से गाड़ी लोड करवाते हैं, कोई भी सामान गलत तरीके से लोड करवा रहे, उनको हमने निवेदन दिया हूँ, महिंद्रा के जो मालिक है आनंद जी उनको भी लेटर लिखा हूँ इस विषय पे, और इस विषय पे हमको हर मोटर मालिक को, हर ड्राइवर को, हर पार्टी को लगाना चाहिए, जिससे हम पहले सुधरें फिर देश सुधारेंगे। मुझे दोनों से एक आखिरी का सवाल ये करना है कि ड्राइवर को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं? ड्राइवर को पेंशन मिलना चाहिए, एक सरकार की तरफ से को देश की सेवा में जुटा है, समाज की सेवा में जुटा है, अब मोटर मालिक अगर यथाशक्ति उसके पास है वो कर सकता है तो उसको इसमें सरकार को इन ड्राइवरों के लिए जैसे आम, क्योंकि अभी ड्राइवर कैसे काम कर रहा है क्या कर रहा है वो नहीं है, ड्राइवर को इनको वो जो जैसे काम करने वाले की को कुछ पैसा डिपॉजिट होता है और जब वो रिटायर होता है तो उसको वो पैसा उसके बढ़ाई के साथ मिलता है, वैसा नियम इसमें भी ड्राइवरों के लिए भी लाना चाहिए, जिससे कि जब वो रिटायर हो तो उसको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, जिससे कि वो अपना कोई भी छोटा मोटा
वो करके अपना बाकी जीवन गुजार सके। ये आपका आपने जो प्रश्न किया है, मैं इसमें अगर सरकार कहीं कहेगी तो पहल मैं करूंगा, ऐसी मेरी राय है। बिल्कुल, आगे कदम बढ़ाना होगा, ड्राइवर के हितों में है। ड्राइवर कई वर्ष तक अपने यहाँ काम करता है, एक प्रांत से लेकर दूसरे प्रांत से कैसी टेढ़ी मेढ़े सड़कें होती है और उन्हें चलते समय में धूप काला, ठंड काला और बारिश, तीनों मौसम को उनका सामना भी उनको करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि बॉर्डर पर लड़ने वाला जो एक सैनिक होता है, जो देश का एक जवान होता है, वो जिस प्रकार से जो कामकाज करता है पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अपने इस देश के लिए, ठीक उसी के प्रकार से ड्राइवर भी एक सरहद पे लड़ने का जैसा ही काम करता है। क्योंकि जब वो घर से निकलता है तो मुस्कान उनके घर वालों पर होती है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद मुस्कान बंद होती है। इसकी वजह यह है कि जाने वाला जो घर से निकल गया, हम उन्हें ड्राइवर भले कहते हैं या उनके जो भी रिश्ते नाम से उनसे पुकारते होंगे, वो जब जाते तो वो लौट के आएगी भी या नहीं, एक सवाल बनता है। क्योंकि देश की सड़कें, देश के कामकाज, कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी, इनसे आज ड्राइवर तिल तिल मर रहा है। देश का किसान भी तिल तिल मर रहा है, ड्राइवर भी तिल तिल मर रहा है, मगर अफसोस कि शहर के परिवहन का जो विभाग है उनका ध्यान नहीं है। मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी इस ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द ड्राइवरों को जो एक सजा याफ्ता हो रही है, जो कामकाज उनके हो रही है, जो तकलीफें उन्हें हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकाले, उनका जीवन संवर्धन करें। क्योंकि रोड पे चले नियम ना तोड़े ऐसी भावना मन में अपनाएं, रोड पे चले नियम ना तोड़े ऐसी भावना मन में अपनाएं, सुरक्षित घर पहुंचे रास्ता घर पर देखते सब, आओ ऐसा करना सबको सिखाए, आओ हम ज्ञान का दीप जलाए, आओ हम ज्ञान का दीप जलाए। तो दर्शकों, मैं उन ड्राइवर लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा भारत देश के, कि उन्हीं के नज़रों से कि मैं एक बंजारा, भारत देश है हमारा, कई खड़े पर्वत बर्फीले तो फिर कही है रेत के टीले, हम एक एक कदम बढ़ाते हुए इस देश को मजबूत करेंगे और इस देश से उस देश तक अपना माल बखूबी के साथ पहुँचाएंगे, बशर्ते हमें पेंशन मिलना होगा, हमारा जीवन समर्थन करना होगा सरकार ने और हमारे और ध्यान देना होगा। यही शहर के तमाम, इस देश के तमाम तमाम ड्राइवर और उनके परिवार यही भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पर क्या पहल करती है और उनको क्या न्याय देती है। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान प्रहलाद अग्रवाल और नरेंद्र कुमार मिश्रा जी आए थे। अगली बार फिर ऐसी किसी पर्सनैलिटी को हम आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। आप तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। शुक्रिया मैं करता हूँ सर आपका।